सर? यहीं पर हूँ, ब्लैक शर्ट में। आप ही को 500 लेने? हाँ, मुझे ही लेने हैं, मुझे ही लेने हैं। लेकिन आप वो फैमिली रिलेशन क्या हुआ? फैमिली रिलेशन क्या बकवास कर रही हैं आप? एक मिनट रुकिए। ये भी लग गई बॉयफ्रेंड के साथ। शिट। कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा गार्डन में इंतजार कर रही हूँ। क्यों इंतजार कर रही हो? किसका इंतजार कर रही हो? चलो जाओ ऐसे, जाओ। क्या बीमारी लग गई है आजकल की लड़कियों को। हाँ सिंधु, उसे ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? यार तुझे जो परेशान कर रहा है, मैंने उसे ही तेरे लिए ढूंढा है। हाँ मैडम, जो तेरा मिस्टर परफेक्ट है ना, उसी को 500 देने तूने भेजा है। ओह माय गॉड, वो यही गार्डन में घूम रहा था, जैसे ही मैंने फोन लगाया वो सामने आ गया। वो चला गया क्या? अभी तक तो नहीं, पर पैसे देते ही शायद चला जाएगा। पैसे दे दूं क्या? मते मते सपना, फोन पे तो इतनी कबड्डी खेल चुकी है, और अगर मैंने भी उसे झुलाया तो पता नहीं वो क्या करेगा। तू कैसे करेगी मैं नहीं जानती, मेरे बहाने तक मैनेज कर। तू एक बम्पर ट्रीट के लिए तैयार हो जा। ठीक है, रोकती हूँ उसे। हेलो, अपने दांत दिखाने के लिए बुलाया क्या? पैसा निकालो। देती हूँ ना, इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी वो आप ही हैं, इसकी गारंटी क्या है? यार जरा बताओ कि तुम कौन से ग्रह से पृथ्वी पर उतर के आई हो? देर हो रही है मुझे। देखो जी, आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। अच्छा, आपको पैसे मुझसे नहीं, मेरी फ्रेंड से लेने हैं। तो हमारे बीच में तुम क्या कर रही हो? वो यहाँ से जरा दूर है, उसी ने मुझे फोन करके यहाँ आने के लिए कहा था। 500 रुपए के लिए डिप्रेशन में ना आ जाए और सुसाइड कर ले, इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ाने आई हूँ। ओहो, तो आप यहाँ मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आई हो? आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनिए, बहुत मजेदार है। ओहो, रवि और राजा नाम के दो दोस्त थे। और से सुनिएगा। रवि था राज का गहरा दोस्त, लेकिन राज रवि का सच्चा दोस्त नहीं था, वो था उसका दुश्मन। कहानी अच्छी है ना? हाँ। उन दोनों को एक ही लड़की से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन लता को रवि से ही मोहब्बत है। लेकिन लता राज से प्यार का नाटक कर रही थी, क्योंकि वो रवि से प्यार करती थी। कहानी सुनने में मजा आ रहा है ना? एक दिन उन दोनों को एक दूसरे का राज पता चल गया। लता का एक भाई भी था, वो अचानक कहाँ से आ गया पता ही नहीं चला। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? आपकी कहानी को आगे बढ़ाने से पहले बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर आपकी कहानी सुनने के लिए तो नहीं आया था मोहतरमा, मेरा पैसा। मुझे इंतजार कराने के चक्कर में कहानी सुना कर बकवास कर लिया। कहानी सुना क्यों? रुको रुको, कौन हो तुम? ओए, अब तुम कौन हो? अरे ये लड़का वही है जिसे तुम परेशान कर रही थी। मुझे देखकर तुम इसके कान में क्या फुसफुस आ रही हो? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? तो आप हैं, मुझे मेरे पैसे दे दो फिर मैं चला जाऊंगा। हेलो, मेरे पैसे दो। साथ चलो दीदी हूँ। कहाँ पर चलो? हाँ वहाँ पर। क्या? और नहीं तो क्या, हमेशा पैसे पर्स में लेकर घूमती हूँ क्या? एटीएम जाना होगा। हाँ? नहीं नहीं, मैं लड़कियों के पीछे नहीं बैठता। क्यों, पैसे नहीं चाहिए क्या? ओके सपना, मैं ऑफिस में मिलती हूँ। ओके बाय सरदर्द जीजू। सरदर्द जीजू? अरे वो रहा एटीएम, एटीएम, एटीएम। तुमने देखा नहीं होगा इसलिए। तुमसे पहले देख लिया था। मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। क्या कहा? अकाउंट में बैलेंस नहीं है? मैं तुझे उल्लू दिखता हूँ क्या? उल्लू बनाने के लिए तुम मेरे फ्रेंड या लवर नहीं हो,
इतनी दूर मैं बकवास सुनने नहीं आया हूँ, पैसा लेने आया हूँ। मेरे फोन में तुमने बैलेंस क्यों डलवाया? मैंने कहा था क्या? हाँ मैंने तुमसे कहा था। अरे मानता हूँ एक बार गलती हो गई, तो अब क्या लौटाने की बजाय तुम इतना धमकी क्यों दे रही हो मुझे? क्यों, तुम्हारा आज तक किसी लड़की से पाला नहीं पड़ा है? ये सब पसंद नहीं है मुझे। बिल्कुल जैसे सिंधु ने कहा था, दोबारा मेरी सूरत भी नहीं दिखाना चाहूंगा तुम्हें। तुम बेकार में मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? ये सब क्या है, कभी लवर कहती हो तो कभी तुम यार कहती हो, ये बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती हैं। आहा, फोन में उल्टी सुल्टी बातें तुमने शुरू की थी। तुम शक्ल से मुझे शरीफ दिख रहे हो, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। इस वक्त मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। देखने में तो बड़े घर की लगती हो, और 500 रुपए भी नहीं है। हेलो, तुम्हारी बकवास सुनने का शौक नहीं है मुझे? सुनाने का शौक मुझे भी नहीं है। बाकी के पैसे नहीं है, क्या करें बताओ? जब तक 300 रुपए नहीं लौटाती तब तक ये स्कूटी मेरे पास रहेगी। ₹300 के लिए 50,000 की स्कूटी तुम अपने पास रखोगे? जी हाँ, 300 रुपए देना और अपनी गाड़ी ले जाना। ओके, इट्स ऑल राइट, 300 रुपए लौटा कर मैं अपनी स्कूटी ले जाऊंगी। ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी, पहले मुझे ऑफिस तक ड्रॉप कर दो, फिर ये स्कूटी ले जा सकते हो। हेलो, ओनली वन साइड। गाड़ी लेकर आया है। चल सरकना, चल सरकना। क्या बात है यार, गाड़ी किसने दी? दी नहीं बे, उठा कर लाया हूँ। उठा के ले आ? अबे कहाँ से लेकर आया, मुझे भी बता देना, मेरे पास ही गाड़ी हो जाएगी। साइबर कैफे में जाकर लड़के लड़कियों के वीकनेस का पता लगा करके उसका फायदा उठाते हैं। तूने भी कुछ ऐसा ही किया है ना? इतना घटिया काम करने के लिए मेरे बाप ने मुझे पैदा नहीं किया है। शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर। चाबी भी तो मेरे पास ही है। स्कूटी की मालकिन का फोन है, अभी इसने फोन क्यों किया? हेलो जनाब, कहाँ हैं आप? पास के एक कैफे में बैठा हूँ। मेरी स्कूटी लेकर तुम टेक एंड पार्क आ जाओ। ठीक है। ये ले तुम्हारे 300 रुपीस। स्कूटी कहाँ पर है? तुमसे पूछ रही हूँ, स्कूटी कहाँ है? Shut up, गाड़ी की कीज़ दो। ये तो ठीक है, पर स्कूटी कहाँ है? वो क्या है कि? हाँ बोलो। स्कूटी? हाँ। चोरी हो गई। चोरी हो गई? इतने सीरियस मैटर को तुम सिर हिलाकर हंसते हुए कह रहे हो? स्माइल देने से हर कोई माफ कर देता है। तुमको मजाक सूझ रहा है? उसे ढूंढा क्यों नहीं? आपने कहीं देखी क्या? तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सॉरी मैडम, मैंने आज ही अपना खून डोनेट किया। उसकी कीमत पता है कितनी थी? 50,000। और तुम कह रहे हो चोरी हो गई? शक हो रहा है कि तुमने वो किसी को बेच दी है। अरे मैंने किसी को नहीं बेची, वो अपने आप गायब हो गई। मेरे पास थी तब गायब नहीं हुई, तुम्हारे पास आते ही गायब हो गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं, तुम्हारी ज्यादा होशियारी तुम्हें महंगी पड़ गई। मुझे तो सभी बेवकूफ समझते हैं, तो मैं किसी को क्या होशियारी दिखाऊं? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। 100 100 नहीं, अरे आप पुलिस को क्यों फोन कर रही हो? एक्चुअली पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए, तुम्हारे डैड को करना चाहिए। अरे नहीं मैडम, मतलब? वो तो पुलिस से भी खतरनाक है। पुलिस से खतरनाक? सॉरी 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 मैडम, वो मैं नंबर दो। मैडम मैडम मैडम, मैं किसी भी तरह आपकी गाड़ी ढूंढ कर लाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। 300 रुपए के लिए तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, 50,000 के लिए तुम पर भरोसा करूं? नहीं, इसका एक ही सलूशन है। और वो क्या है? जब तक मेरी स्कूटी नहीं लौटाते मेरी हर बात मानोगे? क्या? हाँ, मैं जब जब बुलाऊंगी तब तब आना पड़ेगा। मैं लड़कियों के पीछे घूमने वालों में से नहीं हूँ। ऐसा क्या? चलो अपने डैड का नंबर दो। इस बात के लिए मेरे पिताजी का नंबर किस लिए चाहिए? जैसा आप कहेंगे मैं करूँगा। That's better. Follow me. दादाजी मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन कहाँ बेटा? जहाँ से मैं आई थी वहीं पर। ऐसा क्या हो गया कि अचानक तुमने जाने का फैसला कर लिया? कोई तकलीफ है इसलिए नहीं जा रही, यहाँ मेरी वजह से आपस में बहुत रंजिश पैदा हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्या